हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी, सत श्री अकाल, आप सभी को मेरा नमस्कार। जो मुझसे बड़े हैं उनको मेरा सादर प्रणाम, और जो मुझसे छोटे हैं उनको बहुत बहुत सारा प्यार। यहाँ पे अभी मैंने आटा पिसवाया है, एक भैया थे उनसे मैंने पिसवाया हुआ था, क्योंकि आपको मैंने बताया था आटा गेहूँ था पर आटा पिसवाने वाला कोई नहीं था। पहले ये होता था कि मैं पिसवा लाती थी, और पर अभी नहीं पिसा हुआ था तो हमने ऐसे ही जो होता है ना पैकेट वाला मंगा लिया था। पर पैकेट वाला हमें अलाउ नहीं है, डॉक्टर ने मना किया था आटा वाटा, क्योंकि आटा ये ना ये गेहूं का नहीं होता है, तो फिर हम यही वाला खाते हैं जो गेहूं से पिसवाया हो। तो फिर मैं आई थी मायके से, फिर मैंने धीरे धीरे करके भी ना उसके बाद हमारा ये आटा पिसा था। अच्छा, मैं आप लोग को बता दूँ तो ये वो भैया को ना हमने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए थे, छोटा सा लड़का था तो वो पिसवाने चला गया था और वो लेकर आ गया था। तो पहले क्या होता था, बड़ी मैं बाहुबली बनती थी कि हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं स्ट्रांग हूँ, ये वो है ना, मतलब पहले मैं ये करती ही नहीं थी। पर अभी ना मेरी कमर ही सीधी नहीं होती है। चलो आज हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे आटे को इसमें लगा दूंगी, और थोड़ा बहुत मैंने थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट किया है, वैसे तकलीफ़ तो है। और एक बात बताऊं कि किसी ने मुझे ये बोला कि आदमी कभी औरत का दर्द नहीं समझ सकते, ये बिल्कुल हकीकत है। क्योंकि देखिए, जब हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है एक औरत ही समझ सकती है वो दर्द, और जब हमें कोई भी सिचुएशन फेस करनी है औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है, क्योंकि वो अच्छे से झेली हुई होती है। जो हस्बैंड लोग हैं, जो हमारे पति लोग हैं, उनको क्या मालूम दर्द क्या होता है क्या नहीं होता, तकलीफ़ क्या होती है। और एक बात बताऊँ, जो औरत ही है जो बिना रुके बिना थके पूरा घर का काम करती है, और वो किसी कभी किसी से शिकायत नहीं करती। मेरी नहीं, हम सबकी बात कर रही हूँ मैं। और तभी तो मेरे ख्याल से भगवान ने औरत को ये शक्ति दी है। पर अभी मैं आप लोग को कुछ नहीं कहूँगी, अब अभी ये सब मैं सोच ली हूँ कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है, अब ये भी अच्छा दिन आएगा। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद देखो, मैं ऊपर बैठ के गेहूँ बीन रही थी, और नीचे ये, और जो थोड़ा बहुत था वो हमने पिसवा लिया था, ये दोबारी के लिए हम बीन के रख रहे थे। क्योंकि मैं आप लोग को बता दूँ कि सॉरी सॉरी सॉरी, आगे पीछे क्लिप हो गया ना, इसलिए कन्फ्यूज़न हो गई। बाद में आटा पिसा, पहले हमने गेहूं बीना है। और अभी क्या है ना कि मैं बिल्कुल दिमाग मेरा काम करना भी बंद कर दिया, इन सब ना घिचड़ पिचड़ में बहुत 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 ज़्यादा डिप्रेशन फील कर रही थी इस वजह से। सो अब आज अगर मैं बात करूँगी तो वही वही चीज़ मेरे दिमाग में आएगा, बात ना ही करूँगी तो ही बेहतर है। तो यहाँ पे ये गेहूँ बीन रहे थे, अभी कुछ रियल वॉइस में रखूँगी इस पे। ये मना करते हैं कि नहीं, ये सब नहीं करना, ये सब नहीं करना। मेरे को क्यों नहीं करना, जब हर चीज़ बताइए तो मैं तो हर चीज़ ही रखूँगी। पर आप लोग भी बोल रहे थे, आरती आप ही गलत कर रही हो। क्या गलत कर रही हूँ, मतलब मैं चुप हो जाऊँ, या फिर ठीक है मेरा चुप रहना ही फ़ायदा है। अब बताइए मैं क्या गलत कर रही हूँ, मैं है ना, मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आता। और मैं आप लोग को बता दूँ, मैंने अपने फ़ोन करके अपने माँ बाप को ही बुलाया, किस लिए बुलाया है वो आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। और अगर हाँ, आप लोग बोलते हैं आरती कि आपका जो वीडियो का समय है थोड़ा सा लेट जा रहा है, तो आप बताइएगा हम मैं प्रॉपर अपना वीडियो कितने बजे डालूं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, क्योंकि मुझे पता है अभी ठंड का सीज़न है, दिन बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोग कब फ्री होते हैं, फिर भी अपना जो भी कीमती समय है वो मेरी वीडियो में देते हैं। तो आप अपने हिसाब से बताइएगा, वैसे सबका टाइम एक तो नहीं होगा, सबका टाइमिंग अलग अलग होगा, है ना, ये चीज़ भी मुझे पता है। पर बताइएगा जरूर, जैसे ही मुझे समझ में आएगा वैसे ही मैं अपना टाइम शेड्यूल रखूँगी। चलिए आगे हम मिलते हैं, बने रहिएगा ब्लॉग में। परेशान हो गई, मैं कर लूंगी यार, तुम्हें क्या होता है। अरे मैं नहीं बंदा तो काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, जरूरत नहीं है। तो तुम मेरी आंखों के सामने क्यों बीन रहे हो, मेरे को दिखा रहे हो कि मैं बीन रहा हूँ, है ना, मैं बहुत सब कुछ कर रहा हूँ और आरती कुछ नहीं कर रही है ना, ये दिखा रहे ना मेरे को। तो टूटी फूटी हूँ ना, इसलिए तुमको लग रहा है कि अब ये ऐसे ही हो गए, कुछ नहीं कर सकती है। करना है ना, उतना अच्छा तुम कर
ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला तो देख ही रहा है, तुमको बस नहीं देख रहा है, मेरे को भी देख रहा है कि तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। अपने खाने के लिए तो बीना ही लूँ ना, तो अपने खाने के लिए बीन लूँ। मैं बात नहीं कर रही तो बात क्यों कर रहा हूँ जबरदस्ती? कौन सी तो अभी मैं आप लोग को बता दूं, अभी दोपहर का समय था और यहाँ पे देखो शिव मुझे कितने अच्छे से देख रहा है, बैठा हुआ है बॉकर में, एक्चुअली गोदी में। मैं अभी उसको ले लेती हूँ पर इतना लंबे समय के नहीं लेती हूँ, तो अभी उसके पैर नीचे जमने लगे। आप देखिए, आप बोल रहे थे आरती अभी आप शिव को ऐसे बिल्कुल भी मत बैठाना जब तक कि थोड़ा और बड़ा ना हो जाए। मैं बिल्कुल नहीं बैठाती हूँ, पर अभी वो 7 महीने का हो गया तो थोड़ा बहुत बैठा लेती हूँ। अभी मेरे बालों में आपको गठाने दिख रही होंगी, वैसे भी बाल कम थे। गुस्सा तो मुझे ऐसी आई थी कि मैं टकली हो जाऊँ, सच में आप मेरे ऊपर हंसेंगे भी। सच में मैं वो रेजर होता मैंने वो उठा ली थी कि मैं बालों को पूरे कर लूँगी यार, कि जब है ही नहीं कुछ है ही नहीं, मेरे को लगता है कि मतलब डिप्रेशन होता ना तो कभी हमें लगता है गलत कदम उठाने की कोशिश करते, तो जब हम गलत कदम उठाते तो हमें लगता है हम डिप्रेशन है बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसे ही चोट छूट रही थी, आप मेरे फेस से देख सकते हैं, मतलब कंघी के दांते तक टूट गए थे जो इसके थे। और देखो शिव भी मुझे देख रहा था, अभी आप देखना शिव वॉकर चलाने की कोशिश करता है, उसको वॉकर में बिठा दो हम देखते रहते हैं उसको, कहीं वो यहाँ भागेगा कहीं वो वहाँ भागेगा, सीधे तो रहता ही नहीं है। और अगर बिठा दो ना तो बिठाने में गिरने की उसको डर रहता, इस वजह से फिर हम उसको लटा देंगे। अच्छा आप बोल रहे थे आरती मेड वगैरह लगा लो, तो अभी मेड वगैरह नहीं लगाया मैंने, अपना ये रूम खुद क्लीन किया है। उन्होंने बोला मतलब बोला नहीं, उन्होंने मेरे इस कमरे में झाड़ू नहीं लगाई थी जहाँ यहाँ पे मैं हूँ, मतलब मैं समझ गई है ना, तो फिर मैंने आज जबरदस्ती में धीरे धीरे झाड़ू लगाई थी। और शिव देखो अभी चला ना वो, मतलब पैर आगे बढ़ाता है, ये देखो ज़्यादा उसको नहीं बिठाती हूँ, मतलब आधे घंटे से भी कम ही बैठाती होंगी क्योंकि आधे घंटे में ही वो रोने लगता है। तो यहाँ पे बालों की मेरी बन गई थी पूरी गठाने, और पतले भी हैं ना और कम भी हैं, इस वजह से और गठाने बन गई थी। और हफ्ते से 15 दिन हो गए थे मैंने बालों को क्लीन किया था, अभी देखो इस शिप वहाँ पहुँच गया। अब मुझे नहीं भी जाना है तो इसको मुझे पकड़ने जाना पड़ेगा, इसमें भी वो भागता है। शिव की ये हरकतें दिन भर चलती रहती हैं, और मात्र अगर वो सोता है तो आधे घंटे या 1 घंटे के लिए मिनिमम, और रात में तो पूरे हर आधे घंटे में कू कू कू, क्योंकि उसको लगती है गर्मी और पंखा चालू नहीं करो तो उसको नींद नहीं आती है, और जब ठंडी लगने लगती है तो रोने लगते हैं। ये आप लोगों ने इसकी चलने की स्टाइल देखी। अच्छा ये नेक्स्ट डे मैं आप लोगों से मॉर्निंग में मिल रही हूँ, और मॉर्निंग में अभी आपको दिखाती हूँ कि कोहरा कितना तेज है। तो यहाँ पे मैं गेट को खोल रही थी धीरे धीरे, और अभी मैं खुद से उठने की हिम्मत करती हूँ एंड खड़े होके चलने की कोशिश भी करती हूँ। क्या थैंक यू, धन्यवाद। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि हम देखिए कोहरा बहुत तेज था, तो मैंने गेट को आधे लगा दिया था, और अभी मेरा आपका यहाँ पे जहाँ मैं रह रही हूँ, कहते हैं ना कि जहाँ हमें रहना चाहिए वहाँ हमें साफ सुथरा भी रखना चाहिए, पर अपने हालातों को देख के बनाई थी। अच्छा तो अच्छा यहाँ पे अभी देखो अभी मैं क्या करूँगी, झाड़ू लगा लूँगी एक बारी। यहाँ पे पूरे कपड़े अस्ते व्यस्त थे, और अभी टाइमिंग करीब हो रहा था वही देव के स्कूल जाने का समय था, तो जैसे डोकरी लोग चलती है ना तो धीरे धीरे चल रही थी। अच्छा हालांकि थोड़ा सा ये मेरा बेल्ट अब मुझे टाइट पड़ने लगा है ना, क्योंकि पहले क्या मैं झुकी रहती थी उस वजह से चलती थी, तो दो बेल्ट के हुक दिए हैं, तो अब मुझे वो भी। और ठंड इतनी तेज कि आपको कोहरा दिख रहा होगा। अभी मैंने पैरों में चप्पल अप्पल कुछ नहीं पहनी थी, पर पहनूंगी, और आप लोग से यही कहूँगी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारा सपोर्ट करिएगा। तो यहाँ पे
अभी मैंने स्टार्टिंग तो की है काम करने की, और आज या कल को जाऊंगी मैं एक बारी डॉक्टर से। हालांकि पेन किलर नहीं खा रही हूँ अब बिल्कुल, जैसे पहले खाती थी पेन किलर खाती थी, दवाइयाँ तो वैसे ही बंद कर दी थी। बहुत अच्छा करें। और यहाँ पे बता दूँ, मेरी मम्मी आ गई तो मैं उनसे बीच बीच में बातें भी कर रही हूँ, और मेरी सिस्टर की बेटी भी आई हुई, मेरी सिस्टर की बेटी कह रही, मेरी सिस्टर आई हुई है। मौसी तू रुक जा ले, मैं ले गा ले। मौसी और नानी सेवा करते हैं, खिलाते पिलाते ले आते मुझको। मम्मी तो छाला लग बत्ती रहती है कि तब तो खा गया ना। अच्छा, आप लोग बोल रहे थे आरती कुछ सॉफ्ट सा भी आप स्वेटर लेके बताइएगा, तो ये मैंने शर्ग मंगवाया है विंटर के लिए। शर्ग है काफ़ी अच्छा, अभी अफोर्डेबल प्राइस चल रहा है अमेजोन पे, तो आप जाके ले सकते हैं। वहाँ पे और भी कलर्स ऑप्शन थे, तो ये विंटर के लिए काफ़ी अच्छी है, एंड इसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा रीजनेबल प्राइस है। इसके बाद मैंने विंटर के हिसाब से और भी चीज़ें मंगाई हैं, तो ये मैंने पर्पल कलर का सूट मंगाया है प्रिटी सा, इसके साथ चुन्नी भी आया है, और इसका प्राइस भी बहुत अच्छा है। आप लोग बताइएगा ये आप लोग को कैसा लगा। अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हैं तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ले सकते हैं। वहाँ पर भी इसके कलर बहुत ऑप्शन थे। ये पैंट में आपको पॉकेट दी जाएगी, और ये देखो ये एस साइज़ है, वहाँ पे एम एल डबल एक्सल जो भी आपका साइज़ है आपको वहाँ मिल जाएगा। अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये जो सूट और विंटर के कपड़े वगैरह है ना, लोकल मार्केट से अच्छा हमें ऑनलाइन रीजनेबल प्राइस अभी मिल जाएगा अमेजोन पे, क्योंकि जो ऑफर चल रहा है वो 8 से लेके 13 या 15 तक है, तो आप अभी जाएंगे तो आपको काफ़ी डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पे मैं बार बार आप लोग को इसलिए याद दिला रही हूँ, वरना आप सोचेंगे चलो हम बाद में ले लेंगे, बाद में ले लेंगे तो आपको कम प्राइस में नहीं मिलेगा। इन विंटर के लिए मैंने ये मंगवाया है, ये देखो नाइट वियर है। मैं अगर अच्छी होती ठीक होती तो मैं आपको बढ़िया से इसको पहना के दिखाती, पर नहीं दिखा सकती मैं इसको पहना के, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। आप इसी तरीके से देख लो, इसके भी काफ़ी सारे कलर थे, और ये विंटर के लिए ही है। बैठा हुआ है एक्चुअली ना, अभी सुबह से जो पानी गिर रहा है वो बंद ही नहीं हो रहा है। तो अभी मैं आप लोग को बता दूँ, मैंने कुछ चीज़ और भी बाय की हुई थी, जैसे कि आने वाले वीडियोस में भी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे आप मत खाओ। तो अब मैंने विंटर के हिसाब से भी कुछ चीज़ें मंगाई हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी मंगाई हैं, तो मैं आप लोग को अभी जो जो रिसीव होते जा रहे हैं जैसे जैसे वैसे वैसे मैं आप लोग को बताते जा रही हूँ। तो आज हमने यहीं पे सुबह से शाम तक हमारा यहीं पे निकल गया। तो मैंने कुछ ये ना सॉक्स मंगाए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्म वाले सॉक्स हैं। ये देखो ये अंदर से ना ये वेलवेट है, एकदम वो वाला है ना, ये बहुत अच्छे सॉक्स हैं और कंफर्टेबल हैं, प्राइस भी काफ़ी अच्छा है। अभी वहाँ पे और भी ज़्यादा मतलब 30-50% का ऑफर चल रहा है, तो आप जाके लेंगे तो आप आपको कैशबैक भी मिलेगा, और इजिली आपको आप इसको रिटर्न भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है। बहुत सारे इनके कलर ऑप्शन थे, आपने वैसे वाले तो बहुत पहने होंगे कलर वाले, बट आप इसको भी एक बार ट्राई कीजिएगा, है ना, मेरे कहने पे। तो ये इसके ना मुझे 4 पेयर रिसीव हुए, मतलब 4 पेयर रिसीव हुए हैं। एक ये ब्लैक है दो, और दो ये वाइट क्रीम कलर है। ये देखिए आपको उनमें ज़्यादा सा कौन सा अच्छा लग रहा है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। तो अभी हम इनको रख देते हैं, और आने जाने के लिए बहुत 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 अच्छे हैं ये। कोई बात नहीं, इसके एक मैं निकाल लेती हूँ, बाकी मैं इनको रख देती हूँ अच्छे से।
आपको खाना नहीं है। अच्छा उसके बाद ना मैंने एक वो मंगाई है, साड़ी मंगाई है और ये ब्लैक मंगाई, कलर मेरे पास नहीं था, आप बताइएगा ये ऐसी लग रही, और इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा कॉटन है, इसके भी कलर ऑप्शन बहुत 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 ज़्यादा थे। मैंने हर बारी क्या मेरे पास सारे कलर तो मंगा लिए, पर होता है ना कभी हम ये भी कलर पहने, और आप लोग भी बोलते आरती कुछ अलग कलर बताइएगा आप, आज मैं आपके लिए कॉटन का लेकर आई हूँ, जो प्योर कॉटन होता है ना ये वही फैब्रिक है, और इसकी मुझे प्लेटें आई थिंक लगता है कि वो लग जाएंगी, बहुत अच्छे से बन जाएंगी। अगर मैं खड़ी हो पाती तो आपको ज़रूर बताती, पर अभी नहीं हो पाऊँगी। और इसकी एम्ब्रॉयडरी देखिए कितनी प्यारी है, मैं आपको पास से बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये देखिए है, और इसके कम से कम 8-10 कलर थे। तो इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आप बाय करना चाहते हैं तो। और जो ये फूलों का प्रिंट है ना, ये पूरी साड़ी प्रिंट नहीं है सॉरी, ये एम्ब्रॉयडरी है ना, ये जो साड़ी है ये जो है ये पूरे में दिया जाएगा आपको ये फूल फूल। और इस साड़ी की लेंथ काफी अच्छी है, ऐसे खोलने में मुझे पता चल रहा है, ये देखो, और आपको भी एकदम कंफर्टेबल वाला कॉटन दिख रहा होगा ना, एक कॉटन वो होता है जो कि ना यहाँ वहाँ भागता है, हमारी प्लेटें नहीं बनती हैं जब हमें कहीं जाना है, और इसको तो मैं निकाल देती हूँ, ये एम्ब्रॉयडरी का वर्क लगा हुआ है ना, तो खैर ये तो धुलने में चला जाएगा हमारा पीछे का, और ये एम्ब्रॉयडरी पूरे में दी गई है जो कि साड़ी की खास बात यही है। आप बताइएगा आपको कैसी लग रही है, मैं आप लोग को थोड़ा सा ऐसे ही करके दिखाती हूँ, ये देखिए है ना, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही कमेंट में जरूर बताइएगा। ये देखिए ब्लैक कलर, फ्री पल्ले में लेंगे इसकी प्लेटें, हम बना के देखते हैं एक मिनट, प्लेटें भी आई थिंक मेरी ख्याल से आ जाएंगी, ये देखिए इसकी प्लेटें भी कितनी प्यारी लग रही है ना। अच्छा ये तो रही साड़ी की बात, अब हम करते हैं ब्लाउज, तो ब्लाउज पीस ये देखिए, ये भी कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, एंड ये मैं आप लोग को बता दूँ एकदम उसका ना शाइनिंग कपड़ा है, ये देखो प्योर वाइट में, इसलिए आपको दिखने अब समझ में आया है ना, तो इसका कपड़ा क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, एंड मेरे पास कुछ ब्लाउज इस टाइप के रखे हैं तो मैं नहीं सिलवाऊंगी, पर हाँ अगर आप लेना सकते हैं ले सकते हैं, इसकी लेंथ भी काफी अच्छी है, ये देखो है ना, काफी अच्छी इसकी लेंथ है, आप कितना बड़ा भी ब्लाउज सिलवाएं कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब फिर हम आप लोगों से जल्दी मिलते हैं।